सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। वेल द मेन इश्यूज फेसिंग दिस कंट्री टुडे आर अनएम्प्लॉयमेंट एंड द सिचुएशन एज़ फार एज़ द इकॉनमी इज़ कंसर्न। आई डिडंट सी एनी कॉन्क्रीट आइडिया, एनी स्ट्रेटेजिक आइडिया दैट वुड हेल्प आवर यंगस्टर्स गेट जॉब्स। आई सॉ लॉट ऑफ टैक्टिकल स्टफ, you know, redundant things, but I didn't see any central idea. Three parameters. I think it describes the government quite well. What it was, how many hours was it? Two hours, 45 minutes, I think. I don't remember the exact time. Lot of repetition, lot of rambling, nothing concrete. So it's the mindset of the government. All talk, nothing happening. But the country is of course suffering. You can ask, and I'll speak directly to the youngsters in university and college. You know exactly what's going on. You know that you don't have a future as far as jobs are concerned, and nothing happened here to help you. Thank you. कि कैसे देखते हैं वित्त मंत्री के भाषण को? मैंने बोला कि मैं मैंने बोला इंडिया की बात की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, मैंने बोला कि ढाई घंटे से ज़्यादा लंबा भाषण था और उसमें कोई स्ट्रेटेजिक बात मुझे नहीं दिखी। मेन इशू आज हिंदुस्तान के सामने रोजगार और जो इकोनॉमी की हालत है, उसके लिए कोई सेंट्रल स्ट्रेटेजिक आइडिया नहीं था। बहुत सारे टैक्टिकल आइडियाज़ थे, रिडंडेंसी थी। उन्होंने कहा कि हम इनकम टैक्स कोड को सिंप्लीफाई करेंगे और कॉम्प्लिकेट कर दिया, एक और ऑप्शन दे दिया, तो बड़ी कंफ्यूजन में है। सरकार की जो अप्रोच है वो इस बजट से दिखती है। ढाई घंटे बात की, लॉन्गेस्ट शायद हिस्ट्री में सबसे लंबा बजट था, मगर उसमें कुछ था नहीं, खोखला था। सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले।